नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज़। डीपीपी न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी शिकुल कुमार। और आज हम आए हैं स्मृति भारद्वाज के घर पर, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है 176वीं रैंक से। और इनके परिवार के साथ अभी हम मौजूद हैं। यहां पर बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहता है। इनके पापा जी से जानेंगे कि इनका क्या व्यवसाय है और ये क्या करते हैं, और इन्होंने अपनी बेटी को यूपीएससी क्वालिफाई करने में कितना सहयोग किया। जी सर, आपका नाम? संजय कुमार शर्मा। मैं प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर हूँ, और बिटिया शुरू से ही ब्रिलियंट रही है। उसने हाई स्कूल इंटर सेंट मैरीज बिजनौर से किया, इंटर टॉप किया पूरी डायस कोटद्वार डायस को। इसके बाद इन्होंने NIT निकाली, लेकिन हमने वहाँ एडमिशन नहीं कराया। फिर IIT BHU निकाला, वहाँ BHU से करने के बाद इस ओर लग गई, क्योंकि BHU का माहौल हमारी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियों का माहौल है, एक माहौल है। वहाँ पर सीनियर बच्चे जा रहे थे सिविल सर्विस में, हमारा भी मन था, हमने भी कुछ इसको समझाया, कुछ इसकी खुद वहाँ इच्छा जागृत हुई और ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में इस पोस्ट को पास किया इसने। अच्छा, तो आपको अब कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही, कि बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं हैं। जी बिल्कुल सही। जी जी, आप जैसे इनकी मदर हैं, तो आपके क्या विचार हैं इनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस क्या कहूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है, लेबोरियस है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे बधाई देने वालों के तांते लगे रहते हैं, और आज SP साहब भी आए थे यहाँ पर, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, उसको मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, आप क्या लगते हैं स्मृति भारद्वाज? मैं स्मृति दीदी की कजिन हूँ, उनकी छोटी मौसी की बेटी। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा? बहुत इंस्पिरेशनल लग रहा है, दीदी ने इतना बड़ा काम किया है, तो हम भी आगे जाके मैं भी करेंगे। जी, आप क्या लगते हैं? मैं छोटा भाई हूँ स्मृति का जी, और बहुत बड़ी एक खुशी है नो डाउट इसमें। और उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा डिलीजेंट है अपने काम में, वो जानती है कि उसको कब क्या चीज़ करनी है, उसका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है। और उसी तरह से मुझे भी, इसे भी, हमारे और भी कजन्स को वो बहुत अच्छे से गाइड भी करती है अपने खुद की स्टडीज़ और इस सब के साथ। तो हम खुश हैं कि हमारे घर में एक तो आपके, हाँ जी, अब तो आपके दोस्तों के भी फ़ोन आ रहे होंगे कि अपनी दीदी से मिलवाइए, हमें भी जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ जी, बहुत सब बहुत जगहों से बधाई आ रही है, आप देख ही रहे हैं, सब इतने लोग आ रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें इतना प्यार दे रहे हैं, स्मृति को इतना एक वो मिल रहा है, हमारी तरफ से पूरा ग्रैटिट्यूड है कि धन्यवाद है बहुत ज़्यादा कि हम लोगों से इतने लोग जुड़ रहे हैं। जी, आप क्या लगते हैं? मैं स्मृति भारद्वाज की मौसी हूँ, छोटी मौसी हूँ, और हमें बहुत खुशी हो रही है, जब से रिजल्ट आया है हमारे घर में त्यौहार का माहौल है, हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुकों की लाइन लगी रखी है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बधाई देने वाले यहाँ पर आ चुके हैं और आने भी वाले हैं, और जो इनको नहीं भी जानते वो भी इस समय यहाँ पर आएंगे, जैसे कि हम आ गए हैं यहाँ पर। तो आइए एक बार फिर से स्मृति जी से जान लेते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। जी मैम, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सब लोगों का जो मुझे अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। आज हमने आपको स्मृति भारद्वाज के परिवार से मिलाया, इन्होंने अपनी बातें रखी, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।